ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, मैं सौरभ हूं, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। हिमा दास का नाम कौन नहीं जानता। भींग एक्सप्रेस के नाम से मशहूर हिमा भारत की स्टार एथलीट है। उन्होंने साल 2018 में हुई अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद से हिमा सीनियर लेवल पर भी कमाल का खेल दिखा रही हैं, कई गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। हिमा के नाम से परिचित लोगों को पता है कि उनके लिए चीज़ें इतनी आसान नहीं रही थी। उनका बचपन बेहद गरीबी में बीता था, संघर्ष में बीता था। अब हिमा ने इसी गरीबी से जुड़ा एक इमोशनल किस्सा शेयर किया है। रविवार यानी 26 अप्रैल को हिमा ने क्रिकेटर सुरेश रैना के साथ इंस्टाग्राम पर एक लाइव किया। इस लाइव में उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने बचपन में अपने जूतों पर एडिडास लिखा था। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में एडिडास हिमा के लिए उनका नाम लिखे हुए खास जूते बनाता है। हिमा आजकल पटियाला स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NIS में है। उन्होंने बताया, जब मैंने दौड़ना शुरू किया मैं पैदल भागती थी, लेकिन मेरे पहले नेशनल्स में मेरे पिताजी मेरे लिए स्पाइक कांटेदार वाले जूते लाए। वो दौड़ने वाले नॉर्मल जूते थे। मैंने अपने हाथों से जूतों पर एडिडास लिखा। आपको पता नहीं भाग्य आपको कहाँ ले जाता है। आज एडिडास मेरे नाम से जूते बना रहा है। साल 2018 में जब हिमा ने अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में 400 मीटर का गोल्ड जीता था, तभी एडिडास ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया था। इसके बाद से एक जर्मन कंपनी हिमा के लिए खास जूते बनाती है। इन जूतों में एक तरफ हिमा दास तो दूसरी ओर इतिहास बनाओ लिखा होता है। हिमा ने इस लाइव में और भी कई चीज़ों पर बात की। इसी दौरान उन्होंने कहा कि जब वो वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स 2018 से घर लौटी, गुवाहाटी एयरपोर्ट पर लगी भीड़ देख उन्हें यकीन नहीं हुआ कि इतने लोग उन्हें रिसीव करने आए हैं। हिमा की ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉक की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉप।